सो यार, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि आप अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन से अपने पीसी या लैपटॉप में कैसे फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी विदाउट इंटरनेट, सिर्फ वाईफाई से ये सब होने वाला है। आपका कोई डेटा नहीं जाने वाला। अगर आपके पास केबल नहीं है फिर भी आपका काम हो जाएगा। और इसी तरह से आप अपने पीसी में से भी अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी हाई स्पीड पर। जानने के लिए ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक है, वहाँ पर जाके आप एंड्रॉयड और पीसी दोनों के लिए इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। इंस्टॉल का प्रोसेस बहुत आसान है, तो मैंने उसका प्रोसेस नहीं दिखाया है विंडोज़ के लिए। तो इस ऐप का नाम है फीम और ये आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। वेबसाइट पर जाके इसे इंस्टॉल कीजिए, फिर आपको अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में इसे ओपन करना है और अपने पीसी में ओपन करना है। फिर आपको अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन के अंदर हॉटस्पॉट का ऑप्शन आता है, उसे हॉटस्पॉट ऑन कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो इंटरनेट है वो ऑफ है, तो सबसे पहले मैं अपना हॉटस्पॉट ऑन कर देता हूँ। हॉटस्पॉट ऑन करने के बाद आपको इंटरनेट बंद ही रखना है, इससे कोई डेटा बेटा जाने नहीं वाला। फिर भी आप इसे बंद रख सकते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो इंटरनेट ऑफ कर सकते हैं। फिर आपको अपने पीसी पे जाके वाईफाई का जो ऑप्शन है उसे ऑन कर लेना है और वहाँ से अपने फ़ोन को कनेक्ट कर लेना है। तो मैं अपने फ़ोन को कनेक्ट कर लेता हूँ, तो ये फ़ोन हमारा कनेक्ट हो गया है। फिर आपको इन दोनों ऐप में आपको एक चैट की तरह एक ऑप्शन आ जाएगा, कोई भी रैंडम नेम आ सकता है। यहाँ पर नेम आ गया है शाइनी कमल या फिर कैमल, दोनों में आपको अलग अलग नेम देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल चैटिंग ऐप की तरह है, जिस आप अगर इसे ओपन करोगे तो आपको मैसेजेस सेंड कर सकते हो, फाइल्स भी सेंड कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो बिल्कुल चैटिंग की तरह इसका मतलब इंटरफेस है। तो सबसे पहले मैं अपने स्मार्टफोन से कोई एक फ़ाइल ट्रांसफ़र करके आपको दिखाता हूँ। सेंड फाइल पर क्लिक कीजिए, ऊपर आपको बहुत सारे ऑप्शन, ऑडियो वीडियो अपना स्टोरेज सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं कोई एक पर्टिकुलर ऐप सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसे ट्रांसफ़र करके देखता हूँ। आप यहाँ पर स्लाइड करोगे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा, कुछ भी सेंड कर सकते हैं। सेंड पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऐड शो होगा जिसे आप कैंसिल कर देना है, और देख सकते हो कितनी हाई रेट पर मतलब स्पीड पर जा रहा है ऐप। यहाँ पे देख सकते हो 8 Mbps की स्पीड है और ये चला भी गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर यहाँ पे शो इन फोल्डर पर जाकर आप इसे ओपन कर सकते हो अपने पीसी के अंदर, तो आपके जो डॉक्यूमेंट का फोल्डर है उसके अंदर ये अपने आप ओपन हो जाएगा। इंस्टॉल करते वक्त आपको ऑप्शन दिखाएगा आपको कहाँ सेव करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप अपने पीसी में से अगर फाइल ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो कुछ नहीं, सेंड फाइल पर क्लिक कीजिए और यहाँ से मैं कोई भी रैंडम फ़ोटो उठा लेता हूँ और इसके अंदर मतलब अपने स्मार्टफोन में पेस्ट मतलब सेंड कर रहा हूँ। तो देख सकते हो कितनी हाई रेट की स्पीड पर आ गया है, और आप इसे बिल्कुल भी वायरलेस ट्रांसफ़र है, कोई भी केबल की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत बढ़िया ऐप है जहाँ से आप कर सकते हो। और वीडियो अच्छा आपको लगा हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर दो, और कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट ज़रूर करो। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।